हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस होने के बाद, न्यू ईयर होने के बाद में टाइम आता है डेकोरेशन हटाने का। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी निकाल रही हूँ, और जैसे ही मैं निकालूँगी सब सारी चीज़ें निकालने के बाद में, सारा डेकोरेशन निकालने के बाद में, उसे अच्छे से रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे, उन चीज़ों को, डेकोरेशन को बहुत अच्छे से फिर से हम लोग यूज़ कर सके, इस तरीके से रखे ताकि नेक्स्ट ईयर फिर से उसका यूज़ कर सके। तो ये सारे डेकोरेशन को मैं पहले हटा लूँगी, और हटाने के बाद में इसे बहुत अच्छे से पैक करके इसे रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसे निकालने के बाद में सारा डेकोरेशन, लाइट्स, सीरीज, सब कुछ, सारी चीज़ें सेफली निकालने के बाद में इसे सेफली पैक करके भी रख दूँगी। अभी टाइम है सारी चीज़ें वापस से निकाल कर, इन्हें वॉश करके फिर से प्रेस करके रखने की, तो ये मुझे नेक्स्ट ईयर में काम में आएंगे। तो जितना मुश्किल हमें अरेंज करना है, उससे ज़्यादा मुश्किल उन सारी चीज़ों को वापस से रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये अभी सारे कुशन कवर्स, उन कवर्स को, कर्टन्स को मैं निकाल के फर्स्ट वॉश करके प्रेस करके फिर से रख दूंगी। जब तक सारे कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, तब तक मैं बाकी का डेकोरेशन निकाल लेती हूँ। जितना हम लोग चीज़ों को अच्छे से संभाल कर रखेंगे, उतनी ही चीज़ें अच्छी रहती है, सालों साल अच्छी रहती है और हमारे काम में भी आती है। सारी चीज़ें निकल जाने के बाद में इन्हें एक एक करके हम लोग इसे अच्छी तरीके से पैक करके रख देंगे। आप देख ही सकते हैं, बॉक्स में हम लोगों ने सारी सीरीज रख दिए हैं, और बाकी की चीज़ें भी हम लोग अच्छी तरीके से पैक करके रख देंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग इन चीज़ों का फिर से यूज़ कर सकें। ये क्रिसमस ट्री यहाँ पर पैक हो रहा है, और ऐसे करके सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके पैक करके रख देंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर फिर से हम लोगों को यही सारी चीज़ें खरीदनी ना पड़े। तो अगर हम लोग ऐसे इन्हें संभाल के रखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसका फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सोफ़े का डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया था। जो सोफ़ा है उसे थोड़ा अपनी जगह से चेंज कर दिया था। अभी वापस से मैं और मेरा बेटा मिलकर इसे वापस से लगा रहे हैं। शॉन भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो आज मैं जो लिविंग रूम का मेकओवर करने जा रही हूँ, सेटअप करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी एकदम ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें या हेवी फर्नीचर नहीं भी रहा तो भी हम लोग अपने लिविंग रूम को बहुत अच्छी तरीके से सेटअप करके, अरेंज करके सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास में एक प्लाईवुड का जो बॉक्स है घर में बनाया हुआ, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ म्यूजिक सिस्टम है। टीवी कैबिनेट बोल सकते हैं, टीवी कैबिनेट के हिसाब से इसको बनाया था, लेकिन हम लोग इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं। तो इसे मैंने लगाकर, अभी ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसे मैंने लिविंग रूम में लगाकर थोड़ा डेकोरेटिव बना दिया है। और वॉल पर ये मैंने जो मेरे सारे DIYs थे वो उन्हें हटा दिया था, तो अभी ये लिविंग रूम पूरा खाली हो गया है। तो यहाँ पर जो साइड की वॉल है वहाँ पर ये मेरा एक DIY लगा दूंगी। और विंडो पर मैं बिल्कुल एकदम सिंपल प्लेन कर्टन्स लगा रही हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि बिना किसी बहुत ज़्यादा चीज़ों के या बहुत सारी हम लोगों के पास में एक्सपेंसिव चीज़ें रहे तभी हमारा घर सुंदर दिखता है, या बहुत सारी चीज़ें रहे तभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में बिल्कुल सिंपल, सादी सिंपल दिखने वाली जो चीज़ें रहती है उससे भी हम लोग अपने घर को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने साधारण सोफ़ा कवर जो रहता है उसे लगा दिया है। वो तो हम सबके यहाँ पे अगर सोफ़े है तो सोफ़े के सिंपल कवर्स तो रहेंगे ही, इसीलिए मैं आज ये सिंपल सा सोफ़ा कवर लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि सादी सिंपल चीज़ों से भी हम लोग घर को बहुत अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो सोफ़े पे मैंने सिंपल सा कवर लगा दिया है और मैंने कुशन कवर्स भी सिंपल से ही लगाए हैं। और ये मेरे कुछ DIYs है, जो शेल्फ है उसके साइड में मैं इन्हें लगा दूंगी। शेल्फ पर जो चीज़ें क्रिसमस की रखी हुई थी उन्हें भी मैंने हटा दिया है। और ये मेरे कुछ DIYs मैं यहाँ पर रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने सारी सीरीज लगा दी है और बाकी सारा सब कुछ मैंने DIY से डेकोरेट किया है। जो मेरे DIY से सिंपल से, आपके पास में कोई पोस्टर, कोई पेंटिंग, कुछ भी रहा तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि ऐसा कुछ लेके आओ जो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। आप साधारण चीज़ों से भी अपने घर को डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो ये मैंने टी टेबल पर मेरा एक दुपट्टा था, दुपट्टा मैंने डाल दिया है जो ब्लू प्रिंट में था। और सोफ़े पर भी मैंने सिंपल से कवर लगा दिए हैं, बिल्कुल भी साधारण कवर जो होते हैं वही सोफ़े के कवर लगा दिए हैं। कर्टन्स भी एकदम सिंपल प्लेन जो हर घर में मिल जाएंगे इस तरीके के कर्टन्स लगाए हैं। और सोफ़े पर मैंने जो कुशन कवर्स लगाए हैं, के पास में कोई भी जो भी कुशन कवर्स रहते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और ये सोफ़ा चेयर के साइड में जो टेबल है, मैंने एक टेबल रख के, छोटा सा टेबल है शॉन का, तो उस पर मैंने खाली एक प्लांटर रख दिया है। टीवी के साइड में भी मैंने जो मेरे हाथ के बने हुए DIYs वाज है उनको लगा दिया है। और मैंने एक फिश एक्वेरियम के ऊपर भी, मेरे पास में एक और सोफे का कवर था उसका कपड़ा लगा दिया है। प्लेयर है वहाँ पर भी मैंने उसको भी सोफे कवर से कवर कर दिया है।
यहाँ पर भी नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने क्रीम कलर के कर्टन्स और उस पर मैंने जो रनर बनाया हुआ था दुपट्टे से मेरे, उसका यूज़ किया है। जो चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल थी उन सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स लीजिए, एकदम सिंपल, साधारण और सिंपल सी दिखने वाली चीज़ों से आज मैंने लिविंग रूम का मेकओवर किया है। फिर भी दिखने में इतना प्यारा, क्यूट सा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। आपका घर आपके हाथ के बने DIYs और सिंपल से फर्नीचर से भी सुंदर दिख सकता है। साधारण जो चीज़ें रहती है उनसे भी आप अपने घर को सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास में बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर है तभी घर सुंदर दिखेगा, एक्सपेंसिव कर्टन्स है तभी घर सुंदर दिखेगा। तो साधारण चीज़ों से भी अगर हम लोग अपने थोड़ा सा अपने घर की चीज़ों का सही इस्तेमाल करें तो घर को सुंदर बना सकते हैं। आज का व्लॉग बनाने का मेरा ये मकसद था, डेकोरेशन निकालने के बाद में मैं लिविंग रूम का मेकओवर करने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि हर किसी को काम में आए ऐसे यूजफुल चीज़ें अगर मैं अपने वीडियो में लेकर आऊँ तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आज मैंने ये जो मेकओवर किया है बिल्कुल साधारण और सिंपल चीज़ों से मेकओवर किया है और आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, मेरे कुछ आइडियाज़ आप लोगों के काम में आए और आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए। चलिए, तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।